दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राजनायर की लिखी कहानी तुम्हारी हंसी के लिए। शहनाई की धुन और ढोलक की हल्की थाप हवा में फैल रही थी। स्वाति ने अपने महावर रचे पांव से देहरी पर रखा धान का कलश लुढ़काया और घर के अंदर प्रवेश किया। भीड़ के बीच में उसे अपनी उंगलियों में मोहित की उंगलियां कसती महसूस हुईं। चोरी से किया स्पर्श उसे गुदगुदा गया। सारा दिन तरह तरह के रीति रिवाजों में कब निकल गया पता ही नहीं चला। रिश्तेदारों से भरे घर में वो एक पहचाना चेहरा खोजती रही। ये शादी ब्याह भी ना कैसी प्रथा है कि थोड़े से रस्म रिवाज और उसके एवज में लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल तो यह है कि किसी अनजाने परिवार को अपनाना पड़ता है, उसके सुख और दुखों का साझेदार बनना पड़ता है। स्वाति और मोहित शादी से पहले कोई 2 या 4 दफा मिले होंगे, इसके अलावा कुछ मैसेज, छोटे बड़े फोन कॉल्स, बस एक दूसरे को जानना अभी बाकी था। और हर नए जोड़े की तरह सबके बीच में चुपके चुपके कुछ पल तन्हाइयों के खोजने की मशक्कत जारी थी। खैर, शादी के 3-4 दिन बाद जब रिश्तेदार चले गए और घर में रह गए माँ बाबा, स्वाति, मोहित और मोहित का छोटा भाई रमन, छोटा सा घर, छोटा सा परिवार और सिमटी हुई जिंदगी। माँ बाबा को लगा जैसे इसी सुख के लिए तो इतना बड़ा जीवन जिया था, अब बस गंगा नहा आए और फिर आराम से शांत मैदानी नदी की तरह बहते हुए समंदर में मिल जाने का इंतजार। और मोहित के लिए तो जैसे जिंदगी अभी शुरू हुई थी, पहाड़ी झरने जैसी। सुबह उठते ही स्वाति की मुस्कुराती हुई सूरत, दिन भर उसकी आवाज की खनक और रात में उसके प्यार का आश्वासन। कल से मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, मोहित ने रात को स्वाति के कंगन से खेलते हुए कहा तो वो हाथ खींच के झट से तन के बैठ गई। अरे, तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? हम क्या कहीं हनीमून पे नहीं जा रहे? मोहित मुस्कुरा दिया, झुक के दोबारा स्वाति की कलाई थाम ली। ऐसे कैसे अपनी पत्नी को रूठ कर दूर जाने देता, और ये तो अभी शुरुआत है। उसे बताना होगा कि रिश्ते यूं हाथ छुड़ाने से अपनी गर्माहट खो देते हैं। वो हौले हौले स्वाति की उंगलियां सहलाने लगा और बोला, देखो, माँ बाबा अपने कमरे में रहते हैं, रमन कॉलेज और कोचिंग में बिजी है, तुम और मैं यहाँ साथ हैं, हमारे पास अकेले रहने की पूरी अपॉर्चुनिटी है ना, तो क्या इतना ज़रूरी है हनीमून पे जाना, बोलो। उसने स्वाति को करीब खींच के उसकी आंखों में झांका। स्वाति मुस्कुरा दी, उसने अपना सर मोहित के सीने पर रख दिया। वो चुप थी, लेकिन उसकी कसमसाहट मोहित महसूस कर रहा था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में लोगों की आदत हो जाती है अपना आसमान से कोड़े रखने की। अपने हिस्से के तारे उन्होंने बचपन से गिन रखे होते हैं, और वैसी ही जगमग में खुश रहने की कला उनको बखूबी आती है। अगले दिन मोहित ऑफिस जाने लगा तो स्वाति दौड़ के बाहर चली आई और मनुहार करते हुए बोली, शाम को लौटते हुए गजरा लेते आओगे? मुझे मोगरे बहुत पसंद हैं और उनका मौसम ना ज़्यादा दिन नहीं रहता। मोहित ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, पिछली रात की उदासियों का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। उसने बाइक में किक मारी और बोला, लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, हर रोज पक्का। उसने खुद से वादा किया कि मोगरे का मौसम भले बीत जाए, लेकिन ये प्यार वाला मौसम कभी नहीं बीतने देगा। स्वाति देर तक देहरी पे खड़ी हुई उसे जाती देखती रही, और मोहित देखता रहा उसका अक्स अपनी बाइक के रियरव्यू मिरर में। नई नई शादी की खुमारी थी। मोहित ने ऑफिस से 5-10 मिनट पहले ही खिसकने का मौका तलाशा और वक्त से पहले घर पहुंच गया। आंगन में माँ बाबा के साथ बैठकर स्वाति शादी की तस्वीरें देख रही थी। रमन लगातार कमेंट्री कर रहा था, ये रही शिवपुरी वाली बुआ, जिनको माँ की दी साड़ी का रंग नहीं पसंद आया तो एक दिन पहले ही वापस लौट गई। और ये है उज्जैन वाली भाभी, इनका पूरे समय चेहरा लटका रहा क्योंकि इनको दुख था कि मोहित भैया ने इनकी बहन से शादी नहीं की। रमन की बातें सुनकर स्वाति खिलखिलाते हुए हंस रही थी, और माँ बार बार कभी लैपटॉप स्क्रीन की बलाएं लेती तो कभी स्वाति की। मोहित को लगा वही खड़ा खड़ा देखता रहे घर की इस नई सदस्य को सबके साथ घुलते हुए, देखता रहे माँ बाबा और रमन को, स्वाति को खुले मन से अपनाते हुए। तस्वीरें देखते देखते माँ की आंखों के कोर गीले होने लगे। मोहित उनके घुटनों पर सर टिका कर बैठ गया। क्या माँ, बात बात पर रोती हो, दुख आए तब तो रोना ही है और अब खुशी में भी। बाबा बड़े गौर से अपनी पत्नी का चेहरा देखते रहे। 50 बरस का साथ था उनका, कितने धैर्य से बच्चों को पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि दोनों बेटों की अब उनको बिल्कुल चिंता नहीं थी।
चार सूती साड़ी और कांच की चूड़ियों के अलावा उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। शायद वो समझती थी कि एक स्कूल मास्टर इससे ज्यादा कुछ दे भी नहीं सकता। बाबा ने अपना गला खखारा और बोले, मोहित अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तेरी माँ के घुटने भी बजने लगे हैं बेटा, अब तू जल्दी से हमको एक बार हरिद्वार ऋषिकेश भिजवा दे, गंगा नहा लें बस। बाबा की बात सुनकर मोहित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, करता हूँ बाबा जल्दी। उसने कह तो दिया था लेकिन कैसे करेगा ये सवाल उसको कुरेदने लगा। उस रात मोहित कमरे में पहुंचा तो स्वाति बिस्तर के एक कोने में उसकी ओर पीठ किए लेटी थी। उसका लाया मोगरे का ताजा गजरा सिरहाने रखा था, उपेक्षित सा। वो मुस्कुरा कर पलंग के दूसरी तरफ बैठकर पास रखी किताब के पन्ने पलटने लगा। नाज नखरे नाराजगी दिखाने के बिना कितने छोटे छोटे लुके छिपे इशारे होते हैं। उसने हौले से स्वाति को पुकारा, सो गई क्या? स्वाति ने बिना करवट बदले कहा। कुछ देर कमरे में चुप्पी छाई रही, फिर मोहित बोला, अगले महीने इंक्रीमेंट मिलेगा, थोड़ा बहुत बचत भी कर लेंगे, तब तक ये गर्मियाँ बीत जाएंगी और हम पहली बारिश के पड़ते ही कहीं अच्छी सी जगह घूमने चलेंगे। थोड़ा देर से ही सही, पर होगा वो हनीमून जैसा। स्वाति झट से मोहित की तरफ पलट गई, सच क्या? कितना मज़ा आएगा ना, सारा दिन कोई काम नहीं, बस घूमना फिरना, सजना धजना, खाना। कहाँ चलेंगे कुछ सोचा तुमने? वो उठ के बैठ गई। मोहित अंदर ही अंदर कसमसाया, अभी जा पाएंगे या नहीं यही पक्का नहीं है तो कहाँ जाएंगे यही से कैसे बता दूं? वो बोला, जहाँ तुम कहोगी, समंदर या पहाड़ या रेगिस्तान। स्वाति मोहित के करीब आ गई, पहाड़ पहाड़ पहाड़, मुझे बचपन से हिल स्टेशन जाने का बहुत मन था, शिवानी की कहानियों वाला अल्मोड़ा, रानीखेत, शिमला। डन। मोहित ने अपना अंगूठा दिखाया तो स्वाति ने उस अंगूठे को अपनी हथेलियों में भर लिया, सिरहाने रखा गजरा उठाकर अपने बालों में खोंस लिया। मोहित मुस्कुरा दिया, ये मान जाने के इशारे भी कैसे अजीब होते हैं। उसने गहरी सांस भर के फूलों की खुशबू को अपने फेफड़ों में भर लिया। रात को मोहित की नींद बार बार खुलती रही। माँ बाबा के तीर्थ और स्वाति की हनीमून ट्रिप के बीच वो रस्साकशी करता रहा। कभी लगता माँ बाबा से कह दे कि पहले स्वाति को घुमा लाता हूँ, पराए घर से कितने अरमान लिए आई है, और आजकल तो सभी जाते हैं ना शादी के बाद कहीं घूमने, चाहे रईस हो या हमारी तरह मिडिल क्लास, आखिर उसके भी तो अरमान होंगे। कितने दिन इंतजार करेगी बेचारी? इंतजार? दूसरी तरफ उसको लगता कि माँ बाबा ने तो बरसों इस दिन का इंतजार किया था, उसको और रमन को पालने में कोई कसर नहीं रखी, अपनी सारी जमा पूंजी झोंक कर यह मकान भी बनवा दिया कि उनके बाद बच्चे बेघर न रहे, सर पे एक अदद छत हो, तो उनका इंतजार और लंबा हुआ ना। सुबह चिड़ियों के बोलने से पहले ही मोहित की नींद खुल गई। सर में तेज दर्द था। स्वाति चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और संतोष लिए गहरी नींद सोई हुई थी। मोहित को लगा जैसे उसने हनीमून का वादा करके उसे ठग लिया हो। प्यार में ऐसी बेईमानी की न जाने क्या सजा होती होगी। मोहित के घर की इतवार की सुबह बाकी दिनों से एकदम अलग होती है। माँ हर दिन की तरह सुबह सुबह नहाने के बाद पूजा करने की जगह घर के बाहर नजर आती। वो घंटों बैठी दरवाजे के सामने चावल के आटे का चौक पूरती रहती, बड़ा सा सुंदर पैटर्न, और फिर एकदम वैसा ही पर थोड़ा छोटा सा चौक आंगन के तुलसी चौरा के पास भी। इतवार के दिन रमन लंबी नींद लेता, पढ़ाई के लिए किए गए सप्ताह भर के जगरातों का हिसाब इसी दिन चुकता किया जाता। बाबूजी टीवी के सामने नजर नहीं आते, उनकी गायब छड़ी देख के ही सब समझ जाते कि आज पोहा जलेबी का नाश्ता आने वाला है। मोहित आंगन में ही दो बेत की कुर्सियां जमाकर बीच में शतरंज की बाजी जमा लेता। इस दिन तब तक बाजियां खेली जाती जब तक दो चार कप चाय के वहां इकट्ठे नहीं हो जाते और दोपहर के खाने की गुहार नहीं लगने लगती। कौन किसे कितनी करारी मात देता है इसका हिसाब बाकायदा रजिस्टर में लिखा जाता था। ये बरसों से चला आ रहा नियम था। सच तो ये था कि शतरंज सिर्फ खेल नहीं था, ये वो खास वक्त था जो बेटे ने बूढ़े होते पिता के लिए सहेज रखा था। स्वाति को बड़ा मजा आता था जब मोहित अपना घोड़ा ढाई घर चल के बाबा के ऊंट को खट से मार देता। वो थोड़ी थोड़ी देर में रसोई छोड़ के उनके पास आ जाती।
मूढ़े पर बैठे लहसुन छीलती हुई वो काले सफेद चौकड़ी वाले बोर्ड पर प्यादों को सजा हुआ देख रही थी कि बाबूजी बोले, पड़ोस के शुक्ला जी ने किसी ट्रैवल एजेंट से बात की है, हरिद्वार ऋषिकेश के 10 दिन के ट्रिप के कोई 1 लाख लगेंगे, खाना पीना ठहरना सब शामिल है इसमें, क्या करूं मोहित, बात कर लूं क्या? बाबा की बात सुनते ही स्वाति के हाथ रुक गए। वो कभी छिलकों को उंगलियों से छूती तो कभी छिली हुई कलियों को गिनने लगती। मोहित चुप रहा, लगा थोड़ी सी देर की चुप्पी से शायद बात टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोल बेटा, सबके साथ जाएंगे तो तुम लोगों को ही कम फिक्र होगी। बाबा ने उसकी तरफ देखा, अब माँ भी पास आकर बैठ गईं। सच्ची, शहर से बाहर निकले पता नहीं कितने साल बीत गए। मोहित को लगा कि उसे माँ बाबा को बता देना चाहिए कि स्वाति की भी कहीं घूम आने की इच्छा है, और मैं उसको मना नहीं कर पा रहा हूँ और शायद करना चाहता भी नहीं हूँ। ये ले शह और ये मात, बाबा की जोश भरी आवाज आई तो मोहित को लगा कि वो शतरंज की नहीं जिंदगी की बाजी हार रहा है, वो बाजी जिसमें उसके घर की शांति और मन का सुख दांव पर लगा था। ऑफिस धीरे धीरे खाली हो रहा था। मोहित का घर लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। उसका सालाना इंक्रीमेंट उसके बैंक में जमा हो चुका था और मोबाइल पर मैसेज आ गया था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ। मोहित ने आंखें बंद कर ली। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह उसको किसी भी फैसले के लिए माँ बाबा और स्वाति में से किसी एक की खुशी को चुनना होगा। बेख्याली में बाइक चलाता मोहित घर पहुंचा तो स्वाति के लिए मोगरे का गजरा और बाबा के फल लेना भूल गया था। आंगन में बैठा चाय पी रहा था कि तभी रमन आकर उसके पास कुर्सी खींच के बैठ गया। भैया, मुझे एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, एग्जाम्स को 2 ही महीने रह गए हैं, 45 डेज का कोर्स है। हाँ हाँ, ज़रूर करो, आजकल कॉम्पिटिशन इतना है कि कहीं कोई कमी रह गई तो नंबर नहीं लगने वाला, मोहित ने स्वाति के हाथ से चाय लेते हुए कहा। वही तो, पर भैया फीस एक साथ एडवांस में देनी है, रमन ने धीरे आवाज़ में कहा। मोहित ने मोबाइल में आया बैंक का मैसेज मन ही मन दोहराया और आंखों के सामने दूसरा मैसेज मुंह चढ़ाने लगा, योर अकाउंट इज डेबिटेड विद। रात का खाना खाने के बाद स्वाति और मोहित चुपचाप टीवी के सामने बैठे थे। स्वाति चैनल्स बदलती जा रही थी, उसका अनमनापन मोहित को चुभ रहा था, लेकिन उन कांटों को गुलाब करना उसके बस में नहीं था। उसने धीरे से स्वाति का हाथ अपने हाथ में ले लिया कि शायद स्पर्श शब्दों से ज़्यादा कारगर साबित हो। उसने हौले से उसे करीब खींचा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और रमन की आवाज़ आई, भैया वो फॉर्म लाया हूँ, देख लीजिएगा आप भी। स्वाति ने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया और परे सरक गई। मोहित को लगा जैसे स्वाति की देह ही नहीं उसका मन भी जरा सा उससे दूर हो गया हो। उस पल न जाने क्यों मोहित को भी लगा कि शायद उन्हें शादी के बाद कुछ दिन कहीं चले जाना चाहिए था, एक दूसरे को ठीक से समझने के लिए कुछ पल एकांत के तो मिलते। यहाँ तो जरा जरा सी देर में या तो कोई उसको पुकारता है या स्वाति के नाम की गुहार लग जाती है। शायद सबकी जिंदगी में कभी न कभी वो कमजोर लम्हा जरूर आता होगा जब वो अच्छा बना रहने से ऊब जाता हो। मोहित का मन भी कर रहा था कि कह दे भाई से कि बिना कोचिंग के कर ले पढ़ाई, या माँ बाबा से कहे कि इस साल नहीं भेज पाऊंगा हरिद्वार, गंगा तो अभी बहती रहेंगी, देखता हूँ अगले बरस, या ये कि स्वाति को ही कह दे कि ये हनीमून के चोंचले हम जैसों के लिए नहीं हैं। मोहित कमरे से निकलकर आंगन में बैठ गया, मन उलझ रहा था। वो शतरंज की बिसात पर इंतजार करते हुए बाबा के पास जाकर बैठ गया और बोला, बाबा अभी तो जो था सब रमन की फीस में चला गया, वो ज़रूरी भी था, और अब बारिश तक कुछ जमा कर पाऊँगा, लेकिन तब सोचता हूँ कि स्वाति को कहीं घुमा लाऊँ, उसका बड़ा मन है। बाबा ने चौंक कर उसे देखा और बोले, और तेरी माँ, उसका मन? मोहित के हलक में बाबा का सवाल अटक गया। सबको खुश रखना, परिवार को जोड़े रखना इतना मुश्किल होगा ये वो नहीं जानता था। गर्मियां बीत गईं, नीले साफ आसमान में सांवले बादलों के गुच्छे दिखाई देने लगे। मौसम बदल रहा था लेकिन मोहित के बैंक बैलेंस की हालत तो जस की तस, और स्वाति की आंखों की उदासी और माँ बाबा की उम्मीद भी वहीं की वहीं। कुछ बदला सा था तो स्वाति का व्यवहार।
माँ बाबा की गुहार पर उसकी आई माँ आई बाबा अब जरा कम मीठी लगती थी। मोहित उसको समझाना चाहता था कि दोष उनका नहीं है, देखा जाए तो दोष किसी का भी नहीं था। मोहित अब थोड़ा खोया खोया उदास रहने लगा था। उसके लैपटॉप पर अब ट्रिप प्लानर की साइट्स खुली रहती थीं। हरिद्वार ऋषिकेश भी और पंचमढ़ी भी, या शायद ठीक ठाक बचत हुई तो मसूरी। आखिर अकाउंट में बैलेंस जरूरत के जितना पहुंच गया। अच्छा लग रहा था मोहित को। उसने मोबाइल के इनबॉक्स में आए मैसेज को कई कई बार पढ़ा और स्वाति को फॉरवर्ड कर दिया। साथ ही एक और मैसेज, अगले हफ्ते अपनी मनमर्जी की जगह ट्रिप प्लान कर लो, पेमेंट कार्ड से कर देना, वहीं दराज में रखा है। और सुनो, अभी माँ बाबा से मत कहना। लिखते हुए उसके हाथ कांप गए। थोड़ी देर में मोहित के मोबाइल पर एक स्माइली के साथ छोटा सा दिल भी आया, और उसके थोड़ी देर बाद बैंक का मैसेज, योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ। शाम को घर लौटते हुए मोहित अनमना सा रहा। पता नहीं माँ बाबा क्या सोचेंगे। माँ तो कुछ नहीं कहेंगी, पर बाबा, वो कहीं खुद को माँ का अपराधी न समझें। घर पहुंचा तो सब सामान्य था। बाबा शतरंज जमाए उसके इंतजार में थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी तो माँ ने पकौड़ों का प्लान बना लिया, यानी माँ भी नाराज नहीं। रमन स्टोर से सूटकेस निकालकर झाड़ पहुंच रहा था। थोड़ी देर में स्वाति ट्रे लेकर आ गई। मोहित ने आंखों ही आंखों में उससे पूछना चाहा कि क्या उसने माँ बाबा को सचमुच नहीं बताया या कोई और जादू चलाया। स्वाति ने मुस्कुराते हुए चाय पकड़ाई और चुपके से मोहित के बालों में उंगलियां चला गई। वो माथे पे गिराए बाल समेटता अपनी खुश खुश पत्नी को देखता रहा। कितने दिनों बाद वो यूं खिली हुई सी नजर आई थी। थोड़ी देर बाद माँ बाहर निकल आई। मोहित जरा सा कसमसाया, लगा घोंघे की तरह किसी शेल में घुस जाए। वो हलवे की कटोरी लेकर उसके पास आई और आकर माथा चूम लिया। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू बेटा, तेरी माँ को दिया वादा मैं खुद शायद पूरा नहीं कर पाता। मोहित ने हैरान होकर स्वाति की तरफ देखा तो उसने बच्चों जैसे पलकें झपका दीं और अपने कमरे में चल दी। मोहित लपक कर उसके पीछे पहुंच गया। स्वाति, तुमने माँ बाबा की बुकिंग कराई? क्यों, तुम तो खुद कब से इंतजार में थी? स्वाति के चेहरे पर अब शरारत नहीं थी। वो संजीदगी से बोली, उनकी खुशी के लिए, तुम्हारी हंसी के लिए मोहित। मोहित उसका चेहरा देखता रहा, पढ़ता रहा उसकी आंखें। फिर वो पास जाकर बुदबुदाया, कौन कहता है एक दूसरे को जानने समझने के लिए एकांत चाहिए होता है, घंटों लंबी बातें करनी होती हैं। स्वाति ने मोहित के सीने में सर धंसा लिया और हंसते हुए बोली, कौन कहता है कि हनीमून शिमला मसूरी या अल्मोड़ा रानीखेत में ही मनता है। मोहित ने हंसते हुए आगे जोड़ा, हाँ कौन कहता है कि सजने धजने से ही दुल्हन सुंदर दिखती है। स्वाति बोली, कौन कहता है कि मोगरे का गजरा लाना भूल जाने वाला पति अच्छा नहीं होता। कौन कहता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।